हेलो चिल्ड्रेन वेलकम बैक टू साइंस वर्ल्ड आई होप यू आर आर गुड एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर फाइव द कोस्टल प्लेन्स एंड आईलैंड सोशल साइंस क्लास फोर माइल स्टोन्स बुक बिफोर दिस वी हैड फोर वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर के हमने फोर वीडियोज़ देखे हैं जिसमें पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है और ये फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फाइव के ओके सो लेट स्टार्ट वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइजेस बुक एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज ए फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द कैपिटल ऑफ अंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स सो वॉट इज द आंसर यस पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल सिटी है ओके क्वेश्चन नंबर टू डैश आर आल्सो नोन एज द कोरल आइलैंड्स जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स दीज आइलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज कोरल आइलैंड्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कोरल्स कोरल्स ने उनको बनाया हुआ है और इसीलिए उनको कोरल आइलैंड्स कहते हैं सो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर नोन एज कोरल आइलैंड्स इसका आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर थ्री इज मुंडू इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ टैश सो वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स एंड देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस सो मुंडू जो है ये केरला का ट्रेडिशनल ड्रेस है एंड द आंसर इज केरला मुंडू इज़ अल्सो कॉल्ड लुंगी एंड वेस्टी वेस्टी जो है तमिलनाडु में इसको बोलते हैं इन तमिलनाडु वेस्टी जो है वो पहना जाता है शर्ट के साथ इन केरला मुंडू पहना जाता है शर्ट के साथ जो इट इज़ अ लॉन्ग क्लॉथ बॉर्न बाय मेल्स देन क्वेश्चन नंबर फोर डैश इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और हमने देखा था कि पुडुचेरी जो है वो वहाँ का यूनियन टेरिटरी है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है अब इसके तीन पार्ट्स हमने पढ़े थे एक पार्ट जो है पुडुचेरी का वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है और दो पार्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं बट ऑल टुगेदर उनको एक ही कहा जाता है एक ही यूनियन टेरिटरी है वो जिसका नाम है पुडुचेरी क्वेश्चन नंबर फाइव इज महानदी डेल्टा इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तो हमें पता है कि महानदी कौन से स्टेट से फ्लो होती है यस करेक्ट उड़ीसा सो उड़ीसा इज द स्टेट वेयर महानदी डेल्टा इज सिचुएटेड सो दिज आर ऑल द फीलिंग द ब्लाइंस नाउ लेट सी एक्सरसाइज बी दैट इज मैच द फॉलोइंग फर्स्ट सेलुलर जेल सेलुलर जेल को मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि सेलुलर जो जेल है वहाँ पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखा गया था बाई ब्रिटिश ओके सो इट वॉज दैट टाइम इट वॉज ऑल्सो नोन एज काला पानी की सजा बिकॉज ऑफ द ब्लैक वाटर ऑफ दैट सी सो दिस सेलुलर जेल इज लोकेटेड इन द अंदमान निकोबार आइलैंड्स देन कृष्णा गोदावरी डेल्टा कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है इट इज़ इन आंध्र प्रदेश उड़ीसी डांस इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा मोहिनीअट्टम इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला एंड अंगरखा इज वन इन गुजरात गुजरात में अंगरखा जो है वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है ओके सो दीज आर ऑल मैच द फॉलोइंग धैन एक्सरसाइज सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स द मालावर कोस्ट एंड द कोकण कोस्ट इज इट फॉल्स और ट्रू येस इट इज फॉल्ट्स

When we have learned about the western coastal plains, we have seen that Gujarat coast, Malabar coast, and Kogan coast, these are the three different parts of the western coastal plains. Okay, so this sentence is correct. Question number three The Golconda fort is in Tamil Nadu. Is it correct? No, it is not correct because Golconda fort jo hai, it is located in Andhra Pradesh, not in Tamil Nadu. क्वेश्चन नंबर फोर धामरा एंड पारादीप आर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ केरला दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज धामरा एंड पारादीप दीज आर द पोर्ट्स ऑफ ओडिशा ये दोनों जो पोर्ट्स हैं वो ओडिशा में है न कि केरला में क्वेश्चन नंबर फाइव द महानदी डेल्टा इन ओडिशा हैज़ फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल एंड दिस इज एब्सोलटली करेक्ट इट इज़ ट्रू बिकॉज वी नो दैट The delta region contains fertile alluvial soil, which is uh, which it uh, brings from the mountains. Okay, तो महानदी डेल्टा जो है ओडिशा में जो बना है महानदी की वजह से तो वो डेल्टा जो है उसमें फर्टाइल एलुवियल सॉइल है ओके सो दीज आर ऑल ट्रू और फॉल्स नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फाइव द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स क्लास फोर सोशल साइंस एक्सरसाइज डी आंसर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज डिस्क्राइब द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिस्क्राइब मीन्स यू हाउ टू राइट समथिंग अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इनके बारे में आपको कुछ लिखना है टू थ्री लाइन्स में ओके एंड द आंसर इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सिचुएटेड बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स अब अरेबियन सी कहाँ है और वेस्टर्न घाट्स कहाँ है ये आपको पता है और इसके बीच में इन दोनों के बीच में जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो आते हैं इसका अगर आपको लोकेशन देखना है तो हमारे जो प्रीवियस चार वीडियोस हैं चैप्टर नंबर फाइव के वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दे एक्सटेंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात अप टू द स्टेट ऑफ केरला ये स्टार्ट होते हैं गुजरात से और एंड होते हैं केरला में है ना दिस कोस्टल प्लेन्स

वो कहलाता है कोंकण कोस्ट और उसके बाद जो केरला का जो कोस्टल रीजन है इट इज़ नोन एज मलावर कोस्ट तो इस तरह से आप तीन या चार लाइन में इस आंसर को लिख सकते हो देन क्वेश्चन नंबर टू इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द लक्षद्वीप आइलैंड्स लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में आपको क्या पता है वो आपको यहाँ पर लिखना है सो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ थर्टी सिक्स कोरल आइलैंड्स ये थर्टी सिक्स आइलैंड्स का एक ग्रुप है विच लाई इन द अरेबियन सी और ये अरेबियन सी में आता है आउट ऑफ दिस थर्टी सिक्स ओनली टेन आइलैंड्स आर इनहेबिटेड ये जो थर्टी सिक्स कोरल आइलैंड्स हैं इनमें से सिर्फ टेन आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं मतलब लोग वहाँ पर रहते हैं अदर आइलैंड्स आर नॉट इनहेबिटेड बाय द ह्यूमन्स देन कवरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ दिस लक्षद्वीप आइलैंड्स इसका कैपिटल है कवरत्ती लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लक्षद्वीप इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है तो फोर पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं कि कितने आइलैंड्स हैं उसमें से कितने इनहेबिटेड हैं उसका कैपिटल कौन सा है और वो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की सो हियर यू हैव कंप्लीटेड दिस आंसर देन क्वेश्चन नंबर थ्री इज वॉट डू यू नो अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जैसे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखा था वैसे ही अब हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखना है एंड यू नो दैट दीज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सिचुएटेड बिटवीन द बे ऑफ बेंगाल एंड द ईस्टर्न घाट्स तो ईस्ट इंडिया के ईस्ट साइड में आता है बे ऑफ बेंगाल और ईस्टर्न घाट्स और उसके बीच में जो है वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे एक्सटेंड फ्राम वेस्ट बंगाल ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होते हैं एंड दे आर अप टू तमिलनाडु तमिलनाडु तक ये आते हैं वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु दे कैन भी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स नॉर्थन सरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट तो इस तरह से हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी डिस्क्राइब करना है दो तीन लाइन्स हमें लिखनी है जैसे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखा सेम वैसे ही आपको इसमें लिखना है एक तो उसका लोकेशन दूसरा उसका एक्सटेंट और उस, तीसरा उसके पार्ट्स नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर फोर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कोस्टल स्टेट ऑफ गोवा गोवा के बारे में आपको कुछ लिखना है थ्री फोर लाइन्स में इसका आंसर आप लिख सकते हो सो वेर इज गोवा लोकेटेड गोवा इज लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट हमने देखा था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का ये पार्ट है कोंकण कोस्ट जहाँ पर गोवा है इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ये इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है द कैपिटल ऑफ गोवा इज पंडजी पंडी इसका कैपिटल है एंड फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट सो दिस आंसर इज इनफ फॉर यू फोर सेंटेंसेस यू आर राइटिंग फर्स्ट उसका लोकेशन सेकेंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया थर्ड इट इज़ द कैपिटल द कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी एंड फार्मिंग एंड फिशिंग जो इसके है तो बहुत ही शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हो देन कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ तमिलनाडु तमिलनाडु के बारे में आपको लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उसका लोकेशन सो तमिलनाडु इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ये इंडिया का सबसे सदर्न uh, पार्ट में आने वाला स्टेट है इट्स कैपिटल इज़ चेन्नई इसका कैपिटल चेन्नई है तमिल एंड इंग्लिश दीज आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड भरतनाट्यम जो है इट इज़ द वेल नोन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट तो इस आंसर में भी हमने फोर थिंग्स लिखी है तमिलनाडु के बारे में जो आपके बुक में लिखी हुई है कि इसका लोकेशन क्या है सदर्न मोस्ट स्टेट है और इसका जो कैपिटल वो है चेन्नई है तमिल और इंग्लिश यहाँ पर बोली जाती है और भरतनाट्यम जो है यहाँ का वेल नोन क्लासिकल डांस फॉर्म है और लेट सी एक्सरसाइज ई थिंक एंड आंसर क्वेश्चन नंबर वन वॉट आर लाइट हाउसेज लाइट हाउसेज क्या होते हैं फाइंड आउट द नेम ऑफ द लाइट हाउस ऑफ कैनरी आइलैंड कैनरी आइलैंड जो है जिसको खंडेरी भी बोलते हैं कैनरी आइलैंड जो अरेबियन सी में है मुंबई के पास उसका हमें नाम लिखना है फर्स्ट यू विल सी वॉट आर लाइट हाउसेज सो लाइट हाउस इज़ अ टॉल स्ट्रांग बिल्डिंग इन द शेप ऑफ अ टॉवर विथ पावरफुल लाइट्स एट द टॉप तो लाइट हाउस क्या होता है एक टॉल बिल्डिंग होती है जो कि स्ट्रांग होती है उसका जो शेप है वो टॉवर के जैसा होता है और उसके टॉप पे जो है पावरफुल लाइट्स होते हैं तो कुछ इस तरह से होता है और ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पर अंदर से स्टेयर केस मिलेगा सीढ़ियाँ मिलेंगी और यहाँ ऊपर की तरफ लाइट्स होते हैं पावरफुल लाइट्स दे आर बिल्ट ऑन द सी शोर कहाँ होते हैं ये लाइट हाउसेस आर बिल्ट ऑन द शोर द लाइट हाउसेस हेल्प द सेलर्स किसकी हेल्प के लिए होते हैं स्पेशली द सेलर्स टू नो वेयर द लैंड इज एंड व्हाट प्लेस दे आर नीर उनको ये पता करना होता है कि किस किस तरफ हमें लैंड मिलेगी है ना वेन दिस सेलर्स आर सेलिंग इन द सी जब वो सी में होते हैं तो उनको लैंड का पता करने के लिए लाइट हाउस हेल्प करते हैं समटाइम्स सेलर्स आर ऑन द सी शोर एंड सम टाइम्स इन द सी कभी वो लैंड पे होते हैं तो कभी वो सी में होते हैं दे आर इन प्लेसेस विच आर डेंजरस टू शिप्स एंड द लाइट हाउसेज हेल्प टू वर्न एंड गाइड द सेलर्स कभी कभी सेलर्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर वो डेंजर में होते हैं मे बी वहाँ का वेदर खराब है या फिर और कोई रीज़न हो सकता है तो ऐसे टाइम में जो लाइट हाउसेस है वो उनको वार्न करते हैं बाय देयर लाइट्स तो लाइट्स के भी कुछ कलर फिक्स होते हैं तो वार्निंग करने के लिए अलग होता है गाइडेंस के लिए अलग होता है तो लाइट हाउसेस जो हैं हेल्प देम बाई वॉर्निंग देम एंड बाय गाइडिंग द सेलर्स तो उनको वो वार्न भी करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं सो दैट इज वाई दाइट हाउसेज आर बिल्ड ऑन द सी शोर्स दैन लाइट हाउस ऑन द केनरी आइलैंड जो कैनरी आइलैंड है इट इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन सी नीयर मुंबई और इसका जो नेम है इस लाइट हाउस का वो है कन्होजी एंगरे कन्हहजी एंग्रे लाइट हाउस इन अरेबियन सी नीयर मुंबई ओके सो दिस आंसर यू कैन राइट इतना बड़ा आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यू कैन ओनली राइट वॉट इज़ द लाइट हाउस तो आप यहाँ से यहाँ तक जो आंसर है टू लाइन्स का उतना आपके लिए इनफ है और यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर है वो आपको याद रखना है आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ओके okay? सो so, आप ये दो लाइन्स लिखोगे तो भी इनफ है

बोट में या कहीं सी साइड पे या फिर कहीं रिवर के पास या रिवर में तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक ओके तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यही आंसर आप आपकी कॉपी में भी लिख सकते हो सो फर्स्ट थिंग चेक द वेदर फोरकास्ट कहीं भी जब आपको जाना है ट्रैवलिंग के लिए चाहे आप बोट से जाओ या कहीं हिल्स ही हिल्स क्लाइम्बिंग पे जाओ तो उस टाइम एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यू शुड चेक द वेदर फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट आपको टीवी में मिल जाएगा आजकल मोबाइल में अवेलेबल होता है सो दैट यू कैन गेट द आइडिया ऑफ द वेदर चेंजेस और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग कर सकते हो तो अगर वेदर कंडीशंस अगर ख़राब हैं तो आपको ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पर पानी है चाहे वो रिवर हो चाहे वो सी हो सेकेंड थिंग फॉलो द रूल्स ऑफ द सी देर आर सम रूल्स फॉर एवरी प्लेस हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं यू आर गोइंग टू स्कूल यू हैव टू फॉलो द स्कूल रूल्स है ना इफ़ यू आर गोइंग टू अ पब्लिक प्लेस यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ एट दैट प्लेस इफ़ यू आर गोइंग ऑन द रोड यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स इन द सेम वे सी हैज अल्सो इट्स रूल्स जब आप सी में जाते हो बीच पे जाते हो या कहीं भी सी के कोई भी पार्ट में जाते हो तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो ऑलवेज वेयर अ लाइफ जैकेट एज यू आर गोइंग इन द वाटर यू शुड वेयर अ लाइफ जैकेट सो दैट इन एनी इमरजेंसी कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो यू कैन सेव योर लाइफ नंबर फोर डोंट ओवरलोड योर बोट आपके बोट को आपको ओवरलोड नहीं करना है इट इज़ वेरी डेंजरस क्वेश्चन नंबर फाइव नेवर गो अलोन और अलाउ अदर्स टू डू सो आपको कभी भी अकेले नहीं जाना है नेवर गो अलोन पानी के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है और अगर कोई जाता है तो उसको भी ऐसा करने से रोकना है डोंट अलाउ एनी वन टू डू सो आपको खुद भी अकेले नहीं जाना है और किसी और को भी अकेले जाने नहीं देना है इट इज़ वेरी डेंजरस नंबर सिक्स बी प्रिपेयर विथ बोट सेफ्टी किट हर बोट में जो ट्रैवलिंग करने के लिए जो बोट होती है उसमें सेफ्टी किट होता है और उस सेफ्टी किट में आपके लिए कुछ मेडिसिनस होते हैं फर्स्ट एड बॉक्स होता है कुछ लाइफ जैकेट्स वगैरह होते हैं तो ये सेफ्टी किट आपके बोट में है या नहीं है वो आपको चेक करना है देन ओनली यू गो नंबर सेवन कीप अ फ्लैश लाइट और मिरर Any reflective object as a signal for help. Suppose in case if you are in any danger, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो उस समय आपको अपने साथ कौन सी चीज़ होनी चाहिए वो होता है एक फ्लैश लाइट होता है जो बहुत दूर तक उसकी लाइट जाती है वो आपको अपने पास रख रखना है ताकि आपको कहीं से भी वो लाइट आप यूज़ कर सकते हो दूसरों को आपका सिग्नल देने के लिए अगर आपके पास विसल है तो यू कैन मिसल ब्लो द विसल और इफ़ यू आ मिररर मिरर या फिर कोई ऐसा रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट आपके पास है तो आप उसके ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को तो उस तरह से आप अपने होने का सिग्नल जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हो सो कीप अ फ्लैश लाइट विसल और मिरर एज अ सिग्नल फॉर हेल्प और जब ये सिग्नल लोगों को मिलेगा तब वो आपकी हेल्प के लिए आते हैं ओके सो दीज आर सेवन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन अ बोट इन द सी और इन द रिवर सो हेयर वी आर फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर फाइव हमने चैप्टर नंबर फाइव के फोर वीडियोज़ देखे जिसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है और ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस मिल गई ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन आवर अपकमिंग वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स द सदर्न प्लेटू पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे दो तीन वीडियोज़ में और उसके बाद हम उसके भी बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे ओके सो वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो टेल देन टेक केयर बाय बाय